जेल लॉन्ग जंप। एक बार एक गांव के स्कूल में लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। वहां सब बच्चे एक एक करके लॉन्ग जंप करने लगे। उनमें नायक नाम का एक लड़का सबसे ज्यादा दूर कूदा और पहला इनाम जीता। टीचर उसे ट्रॉफी देते हुए, कंग्रेचुलेशंस नायक, तुम जैसे स्पोर्ट्समैन देश के लिए और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत आवश्यक, बड़ा होके तुम पुलिस बनोगे। कैसे टीचर है सर आप, इतना टैलेंट होते हुए मैं पुलिस क्यों बनूंगा? एक बड़ा चोर बनूंगा, पैसे खूब कमाऊंगा। तुम बड़ा होकर वो वाकई एक चोर बना। पुलिस उसके पीछे पड़ते तो वो बहुत तेजी से गहनों को लेकर भाग जाता था। यूं एक बार पुलिस उसका पीछा करने लगी तो वो एक नहर को छलांग मारकर पार कर कर चला गया। पर पुलिस उस नहर को पार नहीं कर पाई और सिर पकड़ कर रह गए। पर एक बार वो अरेस्ट होकर जेल पहुंच गया। वहां का जेलर, तो तुम नायक हो, जानते हो तुम्हारे नाम पर कितने केस दर्ज हैं? यहाँ से तुम्हारा बचकर जाना असंभव है। हेलो सर, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं तो मेरे लिए एसी कमरा, बिरयानी और दारू सबका इंतजाम करना चाहिए। इसमें कोई कमी हुई तो मेरा भाग जाना निश्चित है और आपका नौकरी से हाथ धोना भी निश्चित है। सर तुम समझते हो कि तुम किसी स्टार होटल के कमरे में बैठे हो? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। मैं जान गया हूँ कि तुम्हारा बल तो है पर बुद्धि नहीं। चलो चलो अंदर। बड़ा आया डिमांड करने वाला, कहकर उसे अंदर धकेला। अंदर नायक, हट, ये क्या कमरा है ना, बेकार है। अरे ऐसा रहा तो यहाँ कैदियों को आने का दिल कैसे करेगा? इसी तरह यहाँ से भागना होगा, इनकी नौकरी छुड़ाना होगा। यूं उसने एक स्पून चुराया और अपने कमरे के फर्श को कुरेदने लगा। यूं कुछ महीने बाद यूं कुरेदने पर वो फर्श टूटकर नीचे गिरा। वो उस छेद में से नीचे कूदा। नीचे वाले कैदी के कमरे में वो गिरा। वहां उसे देखकर सब कैदी हैरान हो गए तो ये भी उन्हें देखकर हैरान हुआ। वहीं जेल के बाहर जेलर, क्यों रे, भागने की कोशिश कर रहे थे मुन्ना? इतना भी नहीं जानते कि तीसरी मंजिल को कुरेदने पर दूसरी मंजिल में गिरोगे? अरे अकल के अंधे, चुपिक चलो नालायक मूर्ख, हमारे कार्यक्रम को पूरा करके तुम्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। कहकर सारे पुलिस वाले उसे पकड़कर लात मारने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। एक दिन सारे कैदी अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहे थे, तब एक औरत हैंडबैग के साथ वहां आई। कैसे पति हो तुम, अक्कल तो है ही नहीं, इसीलिए तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए मुझे मैदान में उतरना पड़ा। ये लो, इस बैग में साड़ी और ब्लाउज है, इन्हें पहनकर मेरे प्लान के मुताबिक भागो। कहकर सारा प्लान समझाया। बाद में औरत के बेश में उसके प्लान के मुताबिक जेल से बाहर निकला। गेट के बाहर चलते हुए वहाँ उसे पुलिस को देखकर, अरे बाप रे, मेरा हैंडबैग कहाँ है, वहीं रखकर भूल गया शायद, अगर वो हाथ में ना हो तो इन्हें शक हो जाएगा, कहकर वो वापस लौटा। वहां बैग उठा रहा था कि वहीं खड़ा जेलर, तुम कौन हो, मुलाकात का वक्त तो पूरा हो गया और सब चले भी गए, फिर भी तुम यही हो, कहकर चेहरे को गौर से देखा। देखकर, अरे नायक तुम हो, अरे औरत के बेश में भागना चाहते थे, हैंडबैग के लिए लौटकर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करके पकड़े गए। यूं फिर सारे पुलिस वालों ने मिलकर उसे खूब मारा। एक बार 15 अगस्त के संदर्भ में लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता के लिए सारे कैदी खड़े थे, एक एक करके लॉन्ग जंप कर रहे थे। नायक की बारी आई तो दौड़ कर गया और जेल के दीवार को फांदा। दीवार पर खड़े होकर, अरे ओ जेलर, तुम कह रहे थे ना कि मैं भाग नहीं सकता, अब देखो अकल के अंधे, कोई भी अकल वाला कैदियों के लिए लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता का आयोजन करेगा? स्टूपिड फेलो, कहकर चिल्लाया। ये सुनकर जेलर और बाकी पुलिस वाले दंग रह गए। वो दीवार के ऊपर से वहां से गुजर रहे एक लॉरी के ऊपर कूदा, वो बोरियों के बीच में जा गिरा। यूं वो लॉरी आकर जेल के बाहर रुकी। वो लॉरी के नीचे कूदा और बिना इधर उधर देखे,
मैं आजाद हो गया, अब मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा, आई एम ए फ्री बर्ड नाउ, कहकर पागलों की तरह नाचने लगा। पुलिस उसे घेर कर खड़ी थी और सब उसे देख रहे थे। वो यूं नाच रहा था, अरे बस यार अब बहुत हो गया, बंद करो। अरे डांस बेबी, डांस में भी कोई इतना बढ़िया डांस नहीं करता। उसने आंखें खोलकर देखा, अपने आप को पुलिस से घिरा पाया। वो हैरान हो गया। आई एम वेरी सॉरी भाई, हमें फिर से तुम्हारी खातिरदारी करनी पड़ेगी। अ वेलकम बैक टू हेल। बेचारे तुम जानते नहीं थे ना कि ये जेल को चावल सप्लाई करने वाली लॉरी है। अगली बार भागना हो तो जरा दिमाग का प्रयोग करो। कॉन्स्टेबल्स देख क्या रहे हो, खातिर करो। फिर सबने मिलकर उसे खूब मारा और जेल में डाल दिया। सेमिया। एक गांव में विपिन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बचपन से ही बड़ा ढीठ था। वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। किसी भी बात को जब तक खुद ना जांच ले वो भरोसा नहीं करता था। विपिन की पत्नी का नाम था दीपिका। उसे विपिन की रोज रोज की हरकतों से दिमाग खराब हो रहा था। एक दिन एक दूध वाला भैंस लेकर वहां आया। क्यों भाई, आज तो तुम भैंस ही लेकर आ गए। नहीं तो क्या साहब, आप हर रोज दूध में कोई मीटर लगाकर इसमें 20% पानी है, इसमें 30% पानी है कहकर पैसे काट कर देते हैं। आज मैं अपनी ईमानदारी को साबित करने आया हूँ। आपके आंखों के सामने ही मैं दूध धोकर दूंगा। आज हर हाल में आपसे पूरे पैसे लेकर ही जाऊंगा। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। उसने दूध धोया और बर्तन को विपिन को दिया। विपिन ने एक मीटर लेकर दूध में रखा। इसमें 10% पानी मिला हुआ है। ये क्या, आपके आंखों के सामने ही तो दूध धोया था ना, अब पानी कहाँ मिलाया? अरे तुमने दूध में पानी नहीं मिलाया होगा, पर घर पर तुमने इसे बहुत सारा पानी पिलाया होगा, है ना? अगर भैंस को बहुत पानी पिलाया हो तो उसे बाहर निकालने का रास्ता तो और है ना साहब। ये सब मैं कुछ नहीं जानता, ये लो 10% पानी का काट कर बाकी पैसे। वो ये सोचकर वहां से चला गया कि इस जन्म में तो इससे पूरे पैसे नहीं ले पाऊंगा। एक और दिन एक इलेक्ट्रिशियन ने आकर फैन रिपेयर किया। वो विपिन से, सर फैन रिपेयर हो गया है, पैसे देंगे तो मैं चलता हूँ। विपिन ऊपर देखकर, फैन अच्छी तरह घूमेगी ना? एकदम झकास घूमेगी सर, देखिए मस्त हवा आ रही है। भाई पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुमने पंखे ठीक से नहीं फिट किया, हवा ठीक से नहीं आ रही है। क्या बात करते हैं सर, यहाँ तो ठंड लग रही है। अच्छा तो ठहरो, तुम्हारा और फैन का एक टेस्ट करता हूँ, अगर तुम वो पास हो गए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, कहकर अंदर गया। विपिन एक लोटे में पानी लाकर उसके सिर पर डाला। अगर तुम्हारे बाल 10 मिनट में सूख गए तो मैं समझूंगा कि ये फैन रिपेयर हो गया। नहीं सूखा तो मतलब ये है कि तुमने उसको रिपेयर ठीक से नहीं किया। वो परेशान हो गया। विपिन टाइम देखने लगा। ठीक 10 मिनट के बाद उसके सिर पर हाथ रखकर देखा और ना 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 ना, बाल सूखे नहीं भाई, तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, जाओ। वो मन ही मन उसे गाली देते हुए चला गया। दीपिका ने सिर पकड़ लिया। एक दिन दीपिका ने विपिन को सेमिया के खीर बनाकर दिया। इसमें गुड़ कितना डाला है तुम जानती हो ना, कि ज्यादा मीठा हो तो मुझे पसंद नहीं है। जानती हूँ, जरा खा कर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता, रुको बिना खाए ही इसको टेस्ट करता हूँ, कहकर उस खीर को गुड़ की दुकान पर ले गया। यहाँ क्यों लाए हो? देखती जाओ, कहकर उसे गुड़ की डली के पास रखा। मक्खियाँ गुड़ की डली से उठकर खीर पे जाकर बैठी। विपिन मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर मक्खियों की संख्या गिनने लगा। देखा, तुम्हारे खीर के ऊपर 56 मक्खियाँ बैठी हैं, यानी तुमने ज्यादा गुड़ डाला है। अरे धत, तुम जैसे नक्षड़े इंसान से शादी करने के लिए मुझे अपने जूते से मानना चाहिए, कहकर वहाँ से चली गई। एक और दिन दीपिका ने सेमिया उपमा बनाया, उसे विपिन को देकर, अरे अब ये तो मीठा नहीं है, अब इसमें क्या चेक करोगे आप? विपिन ने उसको सूंघा। मुझे शक है कि इसमें नॉन वेज मिलाया हुआ है, तो जानती ही हो कि मैं पक्का वेजिटेरियन हूँ। अरे मैं भी तो वेजिटेरियन हूँ, अपने घर में मांस कौन लेके आता है? अरे ना ना, मैं ये नहीं कहता कि तुमने मिलाया है, हो सकता है कि जिस फैक्ट्री में सेमिया बनता है वहाँ मिलाया होगा।
तो इसे कैसे टेस्ट करोगे? थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। हाँ, एक आइडिया है। ये सेमिया बिल्कुल केंचुए की तरह दिखते हैं ना, इन्हें कांटे में डालकर मछली पकड़ते हैं। अगर इसमें नॉनवेज मिला हो तो मछली बंसी में फंसेगी, क्या कहती हो? मैं क्या कहूँगी, सब मेरी किस्मत है, यही कहूँगी। यूँ वे एक खेत के पास गए, उस सेमिया को एक कांटे में फंसाया, उसे पानी में रखा। थोड़ी देर बाद यूँ लगा कि उस बंसी को किसी ने खींचा हो। लगता है कि मछली फंसी है, यकीनन ये नॉन वेज सेमिया ही है। तभी एक बड़ा मगरमच्छ मुंह खोला और उनके पास आया। दोनों डरकर बाप रे मगरमच्छ कहकर चिल्लाने लगे। वो उनके तरफ मुंह खोलकर बढ़ने लगा। अरे ये हमें जिंदा निकल जाएगा, भागना चाहता हूँ पर पांव जमीन पे धरे के धरे ही रह गए। तभी दीपिका को एक उपाय सूझा, उसने तुरंत अपने पास बचा सेमिया उपमा उस मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया। मगरमच्छ उसे खाकर खुश होकर पानी में चली गई। विपिन ने चैन की सांस ली। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से आज मौत के दरवाजे तक जाकर लौटे। कम से कम अब से ही ये नक्षड़े बर्ताव को छोड़ दो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। मुझे अकल आ गई है, अब मैं जिंदगी में किसी भी चीज पर शक नहीं करूंगा। चलो घर चलते हैं, प्लम्बर अपनी प्रतीक्षा कर रहा होगा। दीपिका उसे शक की निगाहों से देखने लगी।